बंदे खंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए नजर डालते हैं झांसी की खास खबरों पर। झांसी में अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा की जिला एवं मंडल के दो पदों की विस्तार की बैठक आयोजित की गई। बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष जुगल किशोर कुशवाहा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में ब्रजेश मौर्य अध्यक्ष रहे। विशेष अतिथि के रूप में शिव शरण कुशवाहा राष्ट्रीय महासचिव नई दिल्ली, मोहर सिंह सैनी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजस्थान, प्रदेश महासचिव मदन सिंह कुशवाहा, उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह कुशवाहा उपस्थित रहे। बैठक में विभिन्न पदों की घोषणा की गई, जिसमें मंडल अध्यक्ष रामबाबू कुशवाहा बड़ागांव, मंडल उपाध्यक्ष भरत कुशवाहा छिरौना, झांसी जिलाध्यक्ष कोमल सिंह कुशवाहा उन्नाव गेट, जिला उपाध्यक्ष कपिल कुशवाहा, जिला सचिव एडवोकेट मनमोहन कुशवाहा, महिला मंडल अध्यक्ष श्रीमती उर्मिला कुशवाहा, मंडल उपाध्यक्ष रजनी कुशवाहा, मंडल महामंत्री ममता कुशवाहा, पार्षद नगर निगम महिला जिलाध्यक्ष दीप्ति कुशवाहा और महिला महानगर अध्यक्ष मुन्नी कुशवाहा को बनाया गया। समाचार बुंदेलखंड के लिए मनीषली के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा काफ़ी दिनों से शिथिल पड़ी थी कोरोना काल के कारण। आज हमारे राष्ट्रीय महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, प्रदेश राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आए हैं और हमारा जिला से ही, झांसी जिले से ही, हमने कहा पहले घर मजबूत हो तब पूरा प्रदेश और देश को मजबूत करें। इसलिए आज झांसी जिले का जिला अध्यक्ष और हमने अभी कुछ दिन पहले शहर अध्यक्ष वीरू कुशवाहा को और मंडल अध्यक्ष महिला का गठन किया गया है। हम सब लोग इस गठन करके गांव-गांव तक पूरा गठन करने के पश्चात इसको हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरे प्रदेश महासचिव जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में एक दौरा करके राष्ट्रीय स्तर पर हम प्रदेश स्तर पर एक बहुत बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे उसका नेतृत्व करेंगे ब्रजेश मौर्य जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में पूरा वहाँ कार्यक्रम होगा। हम लोगों ने लखनऊ में अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा या कुशवाहा समाज ने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को या उनके संगठन को सपोर्ट किया है, इसलिए हम उनके ही नेताओं को बुलाएंगे। उसमें हम प्रदेश के हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी बुलाएंगे उसमें, क्योंकि हमारी जितनी संख्या है हमने उनको वोट दिया है, हमारी जितनी संख्या है उतनी भागीदारी दी जाए। हमारे प्रदेश में उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनको भी उस कार्यक्रम में हम आमंत्रित करेंगे।